हम लोग अब देखेंगे दो सदिशों का गुणनफल, यानी दो वेक्टर को गुणा कैसे किया जाता है। तो जैसे अदिश राशियां होती हैं कि 15 को आप 10 से गुणा करो तो सीधा सीधा 150 हो जाता है, उसमें कोई डाउट नहीं है। तो हम लोग शुरू से ही देख रहे हैं कि जो सदिश राशियां होती हैं उनको जोड़ना भी अदिश के तरीके से नहीं होता, उनका घटाना भी अदिश के तरीके से नहीं होता। तो गुणनफल भी हमारा जो सदिश का होता है ये अदिश के तरीके से नहीं होगा, जाहिर बात है। तो दो सदिश राशियों का जब गुणनफल किया जाता है तो देखिए दो तरीके का गुणनफल होता है। इनका गुणा करने का हमारे पास कितना तरीका है? दो तरीका। दो तरीका क्यों है? क्योंकि दो अदिश राशियां हम लोग लेते हैं, ठीक है, बल गुणे विस्थापन। आप थोड़ा बहुत पढ़ चुके होंगे कि जो कार्य हमारा परिभाषित किया जाता है, कार्य बराबर क्या होता है? बल गुणे विस्थापन, ऊपरी ऊपरी तौर पे कहें हाई स्कूल के तरीके से। बल हमारा क्या है? सदिश है। बल की दिशा होती है ये सदिश राशि है, विस्थापन की भी दिशा होती है ये भी क्या है? सदिश राशि है। और इन दोनों को गुणा करने पर जो कार्य हमारा आया, कार्य क्या है? अदिश है। तो एक तरीका तो ये हो गया कि जब हम दो सदिश राशियों को गुणा करेंगे तो फाइनल जो आंसर हमारा आएगा गुणा करने पर वो अदिश राशि आएगी। तो इसको क्या बोला जाता है? अदिश गुणन, अदिश गुणन बोला जाता है, ठीक है। और दूसरा होता है हमारा सदिश गुणन। सदिश गुणन में क्या कि जब दो अदिश राशियों को आप गुणा करेंगे तो गुणा करने के बाद जो हमारी राशि आएगी वो सदिश राशि होगी। जैसे हम लोग परिभाषित करते हैं कि बल आघूर्ण बल गुणे लंबवत दूरी। अभी फार्मूला इतना कंप्लीट नहीं है लेकिन ये दो राशियों के गुणा से ही बल होता है और उसमें दूरी होता है, ठीक है। ये और ये दोनों का जो है लंबवत दूरी होती है ये भी हमारा इसकी दिशा होती है, ये सदिश होती है जो इसमें लिया जाता है, ये सदिश होता है। और बल भी हमारा क्या होता है? सदिश होता है। तो बल आघूर्ण हमारा होता है बल गुणे जिस बिंदु के सापेक्ष हम लोगों का आघूर्ण निकाला जा रहा है उसकी बल से लंबवत दूरी, तो उसकी भी वो भी सदिश होता है। अगर मैथमेटिकली हम लोग 11th-12th लेवल पे बात करें तो टॉर्क हमारा परिभाषित होता है आर क्रॉस एफ, ठीक है। ये सही फार्मूला है हमारा कि जो बल आघूर्ण जो होता है टाऊ इक्वल टू आर क्रॉस एफ। तो ये हमारा क्या है? सदिश गुणे सदिश हमारा क्या आ रहा है? सदिश आ रहा है। तो ऐसे बहुत सी राशियां आप देखेंगे कि जैसे वेग v बराबर ओमेगा क्रॉस r, ये भी हमारा क्या है? सदिश गुणन है। जो ओमेगा होता है ये सदिश राशि, r होगा ये भी सदिश राशि होगा, इनका गुणा करने पे सदिश आएगा, ठीक। तो दो सदिश का जब गुणनफल किया जाएगा तो गुणनफल हम लोगों का दो तरीके से डिफाइन होता है, एक अदिश गुणन और एक सदिश गुणन। अदिश गुणन क्या होता है? दो सदिश राशियों को गुणा करने पे जो हमारी राशि आ रही है वो अदिश राशि आएगी। और सदिश गुणन हमारा कैसे डिफाइन किया जाता है कि दो सदिश राशियों को गुणा करने पर जो राशि आएगी ये हमारा सदिश होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे? अदिश गुणन देखेंगे। हम लोग दो सदिशों का अदिश गुणन, पहला हेडिंग हमारा होगा दो सदिशों का अदिश गुणन। दो दो सदिशों का अदिश गुणन। इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट भी बोला जाता है। स्केलर भी बोलते हैं और डॉट, चाहे डॉट प्रोडक्ट बोलो चाहे स्केलर प्रोडक्ट।
स्केलर प्रोडक्ट क्यों बोला जाता है, क्योंकि हमारा जो क्वांटिटी आ रही है गुणा करने के बाद वो स्केलर क्वांटिटी है। तो स्केलर आर डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, ठीक है, दो सदिशों का अदिश गुणन, यानी दो सदिश रहेंगे हमारे, लेकिन जब इनको हम गुणा करेंगे तो हमारी राशि क्या आएगी, अदिश राशि आएगी। तो ये हमारा कैसे परिभाषित है, अब हम लोग देखते हैं कि एक सदिश हमारा ए है और एक सदिश कोई हमारा बी है, इनके बीच में जो कोण है वो थीटा है, यानी दो सदिश ए और बी के बीच में कोण थीटा है। तो इन दोनों का जो अदिश गुणन होता है इसको निरूपित किया जाता है ए डॉट बी से, इसको क्या पढ़ते हैं, ए डॉट बी, ए डॉट बी। और ये परिभाषित क्या किया जाता है, मॉड ए यानी ए का परिमाण इंटू बी का परिमाण और उनके बीच के एंगल का कॉस थीटा, ए डॉट बी इक्वल टू मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। ए डॉट बी इक्वल टू मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, जहां थीटा सदिश ए और बी के बीच का कोण है। और थीटा की वैल्यू हमारी क्या होगी, जीरो से पाई के बीच में होगी, अधिकतम वैल्यू क्या हो सकती है पाई और न्यूनतम वैल्यू जीरो। तो एक लाइन हम लोग इसमें लिख लेंगे, दो सदिश ए और बी, दो सदिश ए और बी जिनके बीच का कोण, जिनके बीच का कोण थीटा है का अदिश गुणन ए डॉट बी, इसको क्या पढ़ा जाता है, ए डॉट बी, ए डॉट बी से निरूपित किया जाता है। और ए डॉट बी जो हमारा होता है मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, ए डॉट बी हमारा क्या हो गया, मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, मॉड ए मॉड बी हमारा क्या है, मॉड ए हमारा है सदिश ए का परिमाण मॉड बी हमारा है सदिश बी का परिमाण और थीटा सदिश ए और बी के बीच का कोण है। तो मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा भी क्या होता है, अदिश होता है, इसकी कोई फिक्स वैल्यू होती है और मॉड ए मॉड बी हमारा अदिश होगा। तो ये जो क्वांटिटी आएगी मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, ये हमारी अदिश राशि होगी। तो ये हम लोगों ने अदिश गुणनफल जो है परिभाषित कर लिया कि दो सदिश राशियों ए और बी का जो अदिश गुणन होता है उसको निरूपित किससे किया जाता है, ए डॉट बी से, और इसकी वैल्यू क्या होती है, मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, जहाँ थीटा दोनों सदिश ए और बी के बीच का कोण है और मॉड ए हमारा क्या है सदिश ए का परिमाण, मॉड बी हमारा सदिश बी का परिमाण, ठीक है। अब इसी में हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं कि यदि हमारा ऐसा हो कि कोई इनमें से एक जो है सदिश जीरो हो जाए, यदि सदिश
सदिश ए बराबर जीरो हो जाए या सदिश बी बराबर, दोनों में से कोई भी एक अगर जीरो सदिश हो, सदिश ए बराबर जीरो या सदिश बी बराबर जीरो, तो अगर इनमें से कोई एक सदिश जीरो हो गया तो जीरो सदिश की कोई दिशा तो होती नहीं है, तो उसका अगले सदिश बी के साथ हम लोग कोण नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है। तो थीटा जो है परिभाषित नहीं होगा, थीटा परिभाषित नहीं होगा यदि ए अथवा बी, ए अथवा बी में से कोई एक सदिश, कोई एक सदिश शून्य सदिश है तो थीटा परिभाषित नहीं होगा, क्योंकि शून्य सदिश की कोई दिशा ही नहीं होती, तो थीटा कहाँ से निकालेंगे, थीटा परिभाषित नहीं होगा। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम लोग ए डॉट बी नहीं निकाल पाएंगे। ए डॉट बी हमारा क्या होता है, ए डॉट बी इक्वल टू मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। अगर ए बराबर जीरो तब ए डॉट बी बराबर जीरो, क्योंकि हमको थीटा परिभाषित नहीं है लेकिन ए का मैग्नीट्यूड तो हमको पता है कि जीरो है। तो अगर ए वेक्टर जीरो है, अगर कोई वेक्टर बी भी जीरो है, तब भी हमारा क्या होगा, ए डॉट बी बराबर जीरो। यानी थीटा तो परिभाषित नहीं होगा लेकिन हमारा जो एक वेक्टर अगर दोनों में से कोई एक जीरो होगा तो ए डॉट बी की वैल्यू हमारी हो जाएगी जीरो। अब इसमें हम लोग कुछ पॉइंट लिखते हैं जो ऑब्जर्वेशन प्रेक्षण, प्रेक्षण का मतलब कि जो दिखाई दे रहा है आप जो ऑब्जर्व करेंगे, ऑब्जर्वेशन। और ऑब्जर्वेशन हम लोग किस में करेंगे, यही जो हम लोगों ने पढ़ा है, ए डॉट बी इक्वल टू मॉड बी कॉस थीटा, ए डॉट बी इक्वल टू मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। इसी में हम लोग जो कुछ पॉइंट लिखेंगे, पहला पॉइंट हमारा क्या होगा कि ए डॉट बी इक्वल टू मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। मॉड ए क्या है, हमारा सदिश ए का परिमाण, ये कोई संख्या होगी, ये भी कोई संख्या होगी, ये भी कोई संख्या होगी, तो ए डॉट बी हमारा क्या होगा, कोई वास्तविक संख्या आएगा। ए डॉट बी की वैल्यू क्या होती है, कोई वास्तविक संख्या होगी। ए डॉट बी एक वास्तविक संख्या है, पहला ऑब्जर्वेशन हमारा हो गया। दूसरा पॉइंट है कि अगर ए और बी, यदि ए और बी दोनों जो है शून्येतर सदिश हैं, यदि ए और बी शून्येतर, शून्येतर का मतलब होता है शून्य के अलावा, जीरो के अलावा, जीरो नहीं हो सकता, जीरो के अलावा कुछ भी, तो यदि ए और बी शून्येतर सदिश हैं तब ए डॉट बी इक्वल टू जीरो, यदि ए और बी शून्येतर सदिश हैं तब ए डॉट बी इक्वल टू जीरो यदि और केवल यदि यदि और केवल यदि ए और बी परस्पर लंबवत हैं, अर्थात ए डॉट बी इक्वल टू जीरो, ए डॉट बी इक्वल टू जीरो इम्प्लाइड दैट एंड इम्प्लाइड बाई
ए परपेंडिकुलर टू बी। तो ये बड़ा सा स्टेटमेंट है, इसमें कुछ बात नहीं है कि ए डॉट बी हमारा क्या होता है, मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। तो किसी ए और बी जब शून्येतर सदिश होंगे तो ना मॉड ए जीरो होगा ना मॉड बी जीरो होगा, लेकिन जब ए डॉट बी की वैल्यू जीरो है तो मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। और ये कब होगा, जब थीटा की वैल्यू 90 हो, थीटा की वैल्यू 90, क्योंकि कॉस 90 की वैल्यू जीरो होती है। तो इसको हम लोग मैथमेटिकली लिख लेते हैं, इसको तो हमने स्टेटमेंट लिख लिया है। मॉड ए नॉट इक्वल टू जीरो और मॉड बी नॉट इक्वल टू जीरो, इसका मतलब क्या हुआ, ए और बी शून्येतर सदिश हैं। ए डॉट बी बराबर मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। तो यदि अब हमारा क्या, हम लोगों ने पढ़ा कि यदि a डॉट b इक्वल टू जीरो है, अगर ऐसा दे दिया गया है आपका कि a डॉट b की वैल्यू आपकी क्या है, ये दे दिया गया कि a डॉट b हमारा जीरो है और a और b शून्येतर सदिश हैं, यानी ना तो a का मैग्नीट्यूड जीरो है ना b का, a और b शून्येतर सदिश हैं। तो आपको ये बता दिया गया कि a डॉट b की वैल्यू जीरो है, तब हम लोग क्या देखेंगे, a डॉट b भैया जीरो है तो a डॉट b होता क्या है, a डॉट b हमारा होता है मॉड a मॉड b कॉस थीटा। तो मॉड a मॉड b कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो ये एक समीकरण हमको मिल गया, इसकी वैल्यू जीरो कब होगी, मॉड ए जीरो हो नहीं सकता, मॉड ए अगर जीरो हो जाए तब भी ये पूरा जीरो हो जाएगा, तो मॉड ए जीरो हो नहीं सकता, मॉड बी भी कभी जीरो नहीं हो सकता। तो हमारा यहाँ से क्या हो जाएगा, ये सब उधर जाके जीरो हो जाएंगे, तो ये हमारा आगे जब बढ़ाएंगे कॉस थीटा इक्वल टू जीरो, यानी दिस इक्वल टू जीरो तब होगा जब कॉस थीटा की वैल्यू जीरो हो, और कॉस थीटा की वैल्यू जीरो हो इसका मतलब थीटा की वैल्यू क्या हो, पाई बाई टू, मतलब 90 डिग्री। यानी अगर a डॉट b इक्वल टू जीरो है तो थीटा क्या होना चाहिए, 90 डिग्री। तो ये सीधा हम लोगों ने वही तो लिखा था कि यदि दो a और b दो शून्येतर सदिश हैं, यदि a डॉट b इक्वल टू जीरो तब थीटा बराबर 90 डिग्री, ये हो गया। और इसका उल्टा भी सही है कि यदि थीटा बराबर 90 डिग्री तब a डॉट b इक्वल टू जीरो, इसीलिए हम लोगों ने वहाँ पे डबल इम्प्लीकेशन लगाया था। ये दोनों सही होते हैं कि a डॉट b इक्वल टू जीरो है तो थीटा 90 होगा, अगर थीटा 90 है तो a डॉट b हमारा क्या होगा, जीरो होगा, यानी a परपेंडिकुलर b होगा। ठीक है, ये दूसरा ऑब्जर्वेशन हम लोगों का हो गया। तीसरा ऑब्जर्वेशन हम लोग देखते हैं, तीसरा ऑब्जर्वेशन है कि अगर आपको दे दिया गया है कि थीटा की वैल्यू 0 डिग्री है, यदि थीटा बराबर 0 डिग्री, दो सदिश ए और बी हैं जिनके बीच का कोण क्या है, 0 डिग्री है, तो ए डॉट बी हमारा क्या होगा, ए डॉट बी इक्वल टू मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। तो थीटा की वैल्यू यहाँ पे हम लोग अगर 0 डिग्री रखेंगे तो मॉड ए मॉड बी कॉस 0 डिग्री, और कॉस 0 डिग्री की वैल्यू होती है 1। तो यहाँ से हमारा आ गया ए डॉट बी इक्वल टू मॉड ए मॉड बी। इसका मतलब कि अगर थीटा 0 है तो एक सिंगल स्टेटमेंट में इसको लिखें कि यदि थीटा इक्वल टू 0 डिग्री तब a डॉट b इक्वल टू हमारा हो जाएगा मॉड a मॉड b, और एक कारण हम लोगों को समझ में आ गया कि ये क्यों होगा। ये हमारा तीसरा ऑब्जर्वेशन हो गया। अच्छा, अगर थीटा बराबर 0 हो, थीटा बराबर 0 डिग्री तब
ए डॉट ए, थीटा बराबर जीरो, क्या ए डॉट ए तो हमेशा, क्योंकि थीटा जो है जीरो होता है, यानी इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, यानी ए डॉट ए किसी भी वेक्टर का उसी वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट, ए डॉट ए करेंगे तो थीटा यहाँ पे क्या होगा, उसी वेक्टर का उसी वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं तो जीरो होगा, थीटा की वैल्यू क्या होगी, जीरो डिग्री, तो ए डॉट ए हमारा क्या हो जाएगा, मॉड ए इंटू मॉड ए। तो यहाँ से हम लोगों को एक फार्मूला मिल गया कि ए डॉट ए यानी किसी वेक्टर का उसी वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट हमेशा क्या होगा, उस वेक्टर के मॉडुलस का स्क्वायर, ये भी हम लोगों का हो गया ए डॉट ए इक्वल टू मॉड ए स्क्वायर। तीसरा ऑब्जर्वेशन हो गया, अब हम लोग चौथा ऑब्जर्वेशन देखते हैं। चौथा क्या है कि यदि थीटा हमारा पाई हो, थीटा हमारा पाई हो यानी 180 डिग्री हो दोनों के बीच का कोण, यानी कहने मतलब एक वेक्टर हमारा ए इधर है तो बी हमारा क्या हो, इसके जस्ट अपोजिट हो, तभी तो हमारा एंगल 180 डिग्री होगा। तो थीटा बराबर पाई हो तो ए डॉट बी इक्वल टू हम लोग पढ़ते हैं मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, तो थीटा इक्वल टू पाई रखें तो ए डॉट बी इक्वल टू मॉड ए मॉड बी कॉस पाई, और कॉस पाई की वैल्यू हमारी होती है माइनस वन, क्योंकि कॉस 180 डिग्री को हम लोग कॉस 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री लिख देते हैं, और कॉस 90 प्लस थीटा होता है हमारा माइनस साइन थीटा, तो ये माइनस साइन 90 यानी माइनस वन हो जाता है। तो ए डॉट बी इक्वल टू हमारा हो जाएगा माइनस मॉड ए मॉड बी, ठीक है। तो इसको एक सिंगल स्टेटमेंट में लिख दें कि यदि थीटा बराबर पाई तब ए डॉट बी इक्वल टू माइनस मॉड ए मॉड बी। तो ये सब बहुत ज़्यादा रटने की ज़रूरत नहीं, अगर एक बार आपको समझ में आ गया तो तुरंत ही कर सकते हैं। यानी इसमें एक पॉइंट हम लोग और देख सकते हैं कि एक ए वेक्टर का ये वेक्टर अगर हमारा ए होगा तो इसके जस्ट अपोजिट हमारा क्या होगा माइनस ए, तो दोनों के बीच का एंगल क्या होगा 180, तो ए डॉट माइनस ए वेक्टर हमारा क्या हो जाएगा माइनस ऑफ मॉड ए इंटू मॉड ए, यानी ए डॉट माइनस ए इक्वल टू माइनस ऑफ मॉड ए का होल स्क्वायर, ये भी एक पॉइंट हम लोगों ने लिख लिया। चार प्रेक्षण हो गया, अब हम लोग इसमें प्रेक्षण नंबर पांच हम लोग देखते हैं फटाफट। पांचवा प्रेक्षण क्या है कि हम लोग जानते हैं कि एक्स वाई जेड अक्षों के अनुदिश जो मात्रक सदिश हम लोग मानते हैं आई कैप जे कैप जेड कैप, ये हमारा एक्स अक्ष हो गया, ये हमारा वाई अक्ष, ये हमारा जेड अक्ष, ठीक है। इसके अनुदिश जो मात्रक सदिश यानी जो सदिश जिसकी लंबाई एक यूनिट हो वो आई कैप, वाई अक्ष के अनुदिश जे कैप और जेड अक्ष के अनुदिश के कैप, और आई जे के सभी क्या हैं एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, यानी आई और जे के बीच में एंगल देखा जाए तो 90, आई और के बीच में एंगल देखा जाए 90, जे और के बीच का एंगल देखा जाए तो 90। और हम लोग जानते हैं कि अगर थीटा बराबर, अच्छा चलिए लिख लेते हैं कि आई कैप जे कैप के कैप हमारा क्या है, आई कैप जे कैप के कैप क्रमशः एक्स वाई और जेड, एक्स वाई और जेड अक्षों के अनुदिश मात्रक सदिश हैं, मात्रक सदिश है, यानी आई और जे और के सदिश का जो परिमाण होगा मात्रक सदिश है इक्वल टू वन। पहली बात हो गई,
इनका परिमाण क्या होगा, वन होगा, और सदिशों आई जे जे के और आई के बीच का कोण 90 डिग्री होगा। ये तो सीधी सी बात है, यानी आई जे के में से आप कोई भी दो सदिश लें तो उनके बीच का कोण 90 डिग्री होगा, क्योंकि एक्स वाई जेड अच्छे हमारे क्या होते हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। तो आई जे के कैप जो हमारा एक्स वाई जेड अक्षों के अनुदिश मात्रक सदिश है, इसका मतलब इसका मैग्नीट्यूड वन है, और इन दोनों में से कोई भी आप लेंगे तो इनके बीच का एंगल 90 डिग्री होगा। तो उस हिसाब से अगर आपका आपका आई आई डॉट आई अगर निकाला जाए तो आई और आई के बीच का एंगल क्या होगा, 0 डिग्री होगा। तो ये हमारा क्या होगा, मॉड आई, फिर मॉड आई कॉस 0 डिग्री, क्योंकि यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग सेम वेक्टर का उसी वेक्टर के साथ एंगल तो 0 होगा ना, आई कैप और आई कैप के बीच का कोण 0 डिग्री होगा। तो आई डॉट आई हमारा अगर करें किसी वेक्टर का, ये सॉरी आई डॉट आई, तो ये हमारा मॉड आई क्या है, 1 है, ये भी 1 हो गया, 1 इंटू 1, कॉस 0 की वैल्यू भी क्या होती है 1, कॉस 0 की वैल्यू 1, और मॉड आई की वैल्यू भी 1। तो इसका यूज हमको करने से क्या मिला कि आई डॉट आई की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई, I डॉट I की वैल्यू 1, J डॉट J हमारा क्या होगा, मॉड J cos 0 उसकी भी वैल्यू 1 होगी। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि J डॉट J की वैल्यू भी 1, K डॉट K की वैल्यू भी 1। तो ये हम लोग फार्मूला टाइप का हो गया कि I डॉट I इक्वल टू J डॉट J इक्वल टू K डॉट K इक्वल टू 1। तो इसको आप समझ लेंगे एक बार तो बहुत ज़्यादा रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के की वैल्यू 1, क्योंकि किसी वेक्टर का उसी वेक्टर के साथ एंगल 0 होता है, और आई जे का जे के का परिमाण कितना है, 1 है। अब एक पॉइंट इसमें हम लोग और देखते हैं कि आई डॉट जे, यानी इनका जो है ये किया जाए कि आई डॉट जे इसकी वैल्यू निकाला जाए, आई डॉट जे, तो आई डॉट जे हमारा क्या होगा, मॉड आई, मॉड जे, और आई और जे के बीच का एंगल क्या होगा, 90 डिग्री होगा। तो आई डॉट जे हमारा हो गया मॉड आई, आई मॉड जे और कॉस 90। तो आई डॉट जे इक्वल टू मॉड आई की वैल्यू 1, मॉड जे की वैल्यू 1, कॉस 90 की वैल्यू 0। तो यहाँ से हमको क्या पता चल गया, आई डॉट जे इक्वल टू 0। अच्छा, आई डॉट के अगर हम लोग करें तो ये क्या होगा, मॉड आई मॉड के कॉस 90, क्योंकि आई और के बीच का एंगल भी 90 होगा। तो यहाँ से हमको आ गया आई डॉट के इक्वल टू इसकी वैल्यू 1 इंटू 1 इंटू कॉस 90 की वैल्यू 0, 1 इंटू 1 इंटू 0 इक्वल टू 0। यहाँ से आई डॉट के की वैल्यू भी क्या आ गई, 0। जे डॉट अगर के करें तो ये क्या होगा, मॉड जे मॉड के कॉस 90, तो जे डॉट के फिर कॉस 90 की वैल्यू 0, इसकी भी वैल्यू 0 आ गई। इसका मतलब कि अगर आप दो आई जे के में से दोनों अलग अलग लेंगे, यानी आई डॉट जे हो या जे डॉट के हो या के डॉट आई हो, तो इनकी सबकी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। ये भी हमारा एक फार्मूला जैसा मिल गया, लेकिन एक बार आप समझ लिए तो कभी गलती होने की संभावना नहीं, और याद भी आसानी से होगा। तो अगर i डॉट i है, j डॉट j है, k डॉट k है, तो इनकी वैल्यू 1 होगी। अगर दोनों में से कोई अलग अलग है, i j j k i, तो इनकी वैल्यू भी क्या होती है, 0 होती है। तो इसमें हम लोग इतना ही रखते हैं अभी।